नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे बजट 2022 की, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं दिल्ली से। बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मीटिंग में आम बजट 2022-23 को मंजूरी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। मीटिंग में आम बजट 2022-23 को मंजूरी दी जाएगी। बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, दिल्ली से बड़ी खबर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक, और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि सभी की निगाहें आज आने वाले बजट पर टिकी हुई हैं। आपको बताते चलें, आज आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, और बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। मीटिंग में आम बजट 2022-23 को मंजूरी दी जाएगी। तो आज का दिन सभी के लिए बेहद खास है। सभी लोग आज के इस बजट से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। वो फिर कोई गृहिणी हो, युवा हो, या कोई उद्योगपति हो, सभी को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, और लोगों को यहाँ पर राहत की उम्मीद भी लोग लगाकर बैठे हुए हैं। तो आपको बताते चले, बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें 2022-23 के बजट को मंजूरी दी जाएगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी यह बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीटिंग में आम बजट 2022-23 को दी जाएगी मंजूरी। तो जिस तरीके से आज बजट पेश होने वाला है, तो अब इसको लेकर के शुरुआत भी हो चुकी है, और सबसे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसको लेकर के सभी लोग पहुंच रहे हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। आपको बताते चलें, आप तस्वीरें देख सकते हैं, आज बजट पेश होने वाला है। आज का दिन बेहद खास है, और बजट पेश होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें आम बजट को मंजूरी दी जाएगी। 2022-23 के बजट को मंजूरी दी जाएगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, धीरे धीरे वो घड़ी नजदीक आ रही है, और 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। ये वाला बजट और ज्यादा इसलिए भी खास है क्योंकि पूरी तरीके से पेपरलेस है ये बजट। रेलवे कृषि क्षेत्र के लिए सभी को बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी होनी, और इस बैठक में मंजूरी दी जाएगी 2022-23 के आम बजट को। आज देश का आम बजट पेश होने वाला है, और सभी की निगाहें टिकी हुई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी, और उसके बाद 11 बजे आम बजट पेश होगा, और सभी को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, और धीरे धीरे वो घड़ी भी नजदीक आती चली जा रही है। 11 बजे आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार ये पहली चौथी बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो आपको बताते चले, वो कोई उद्योगपति हो, कोई युवा हो, या फिर मिडिल क्लास फैमिली हो, या फिर कोई कारोबारी हो, सभी को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था धीमी हो चुकी थी, ऐसे में किस तरीके से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है, कैसे लोगों को राहत दी जा सकती है। अगर हम बात करते हैं टैक्स की, तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत टैक्स में भी मिलने की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है, और लोग काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर इस बजट से बैठे हुए हैं। बजट को लेकर के लोग काफी ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आज बजट पेश होने वाला, और ऐसे में आपको बताते चले, वो घड़ी भी लगातार नजदीक आती चली जा रही है। 11 बजे आम बजट पेश होगा, और उससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें मंजूरी दी जाएगी 2022-23 के आम बजट को। तो तस्वीरें भी आप लाइव देख सकते हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी, और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज आम बजट पेश होने वाला है। ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई है, मिडिल क्लास फैमिली भी लगातार उम्मीदें लगाकर बैठी हुई है। जिस तरीके से कोरोना काल में कारोबार ठप हो चुका था, ऐसे में किस तरीके से लोगों को राहत मिल सकती है, महंगाई किस तरीके से क्या कम होगी, ऐसे में भी लोग लगातार उम्मीदें लगा रहे हैं। पेट्रोल डीजल में छूट मिल सकती है, इसको लेकर के भी लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, और गृहिणी भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर इस बजट से बैठी हुई हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार उम्मीदों का पिटारा कैसे खुलेगा, और कितनी उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरेगा, क्योंकि 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है, और इस बार का जो बजट है वो पूरी तरीके से पेपरलेस होने वाला है।
आज का दिन बेहद खास है। 1 फरवरी यानी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली है, और उससे पहले आपको बताते चलें केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें आम बजट को मंजूरी दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और उसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपना चौथा केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। जहां व्यापारी व्यापार में राहत की उम्मीद लगाए बैठे तो वहीं आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने की आस है, जबकि एक नौकरी पेशा को बजट से आयकर में छूट मिल सकती है। तो वहीं आपको हम बताते चलें, आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर में बजट पेश करने वाली है और मंत्री अनुराग ठाकुर को भी आप देख रहे हैं। 11 बजे आम बजट पेश होने वाला है, उससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में मंजूरी दी जाएगी। तो आपको बताते चलें, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। तो आपको बताते चलें, आज के इस बजट में पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। जहां व्यापारी व्यापार में राहत की उम्मीद लगाकर बैठा है तो वहीं आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने की आस है, जबकि एक नौकरी पेशा को बजट से आयकर की छूट की उम्मीदें यहां पर हैं। तो आपको बताते चलें, आज का जो बजट है 11 बजे पेश होने वाला है आम बजट, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और उससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें आपको बताते चलें बजट को मंजूरी दी जाएगी। संसद भवन पहुंच चुके हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार आपको हम हर खबर पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो वहीं रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बजट से पहले शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला है। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। आपको बताते चले निफ्टी भी 300 से ज्यादा अंक की उछाल देखी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, निफ्टी में भी 300 से ज्यादा अंक की उछाल हुई है। बजट से पहले शेयर बाजार में उछाल देखने को मिली है, इस वक्त की बड़ी खबर। बजट से पहले शेयर बाजार में उछाल, बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में करीब 600 अंक की उछाल देखने को मिली है। निफ्टी भी 300 से ज्यादा अंक की उछाल हुई है। बजट से पहले शेयर बाजार में उछाल। तो हम बात कर रहे हैं बजट 2022 की। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट में अपनी उम्मीदों का पिटारा सभी सेक्टर्स के कारोबारियों ने अलग अलग माध्यमों से वित्त मंत्री को भेजा है। कारोबारी बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि बजट ऐसा हो कि जो कि कोविड-19 तीसरी लहर के समय अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे सके और कारोबार को बढ़ाने में मदद मिल सके। आम बजट सुबह 11 बजे पेश होगा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं बजट में क्या कुछ इस बार खास होने वाला है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। कोरोना काल में बिगड़ी अर्थव्यवस्था में सुधार, टैक्स स्लैब में मिल सकती है राहत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बड़ा निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बढ़ाने के क्षेत्र में निवेश, छोटे और लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो बजट 2022 में क्या कुछ उम्मीदें हैं? जीएसटी के टैक्स स्लैब में बदलाव और छूट भी मिल सकती है। मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी की दर कम हो सकती है। मेडिकल पर 18% जीएसटी को घटाने की उम्मीद यहां पर दिख रही है। महंगाई से निजात के लिए बजट में अलग प्रावधान हो,
पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स को कम किया जाए, तो लोग लगातार उम्मीद लगाकर बैठे हैं। 5G, डिजिटल मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टरों को बढ़ावा। तो आपको बताते चले, उम्मीदों का बजट 2022 पेश होने वाला है। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। मेडिकल पर 18% से घटाकर 5% किया जाना चाहिए, इससे लोगों के बीच हेल्थ पॉलिसी की मांग बढ़ेगी। अभी 18% टैक्स के चलते। और हम बात कर रहे हैं बजट 2022 की, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानी जी जुड़ गए। केसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। नमस्कार केसी श्री, आपके पास आऊंगे। जिस तरीके से आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज आम बजट पेश होने वाला है और लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो क्या कहेंगे आप, किस तरीके से ये बजट खास हो सकता है? सृष्टि जी, बजट पर सब पूरे देश की नजर होती है, बिल्कुल। हर वर्ग जो है वो राहत की आस रखता है, जी परंतु इसमें जो हमारा देश है वो बड़े महंगाई के दौर से गुजर रहा है। जी पेट्रोलियम पदार्थों में जो वृद्धि हुई है, गैस में भी वृद्धि हुई, गैस के दामों में गैस जो है 1000 रुपए तक पहुंच गई है, तो गृहिणी उससे तंग है। पेट्रोल की दाम में बढ़ने के कारण, पेट्रोल एक बार 100 से पार कर चला गया था, डीजल के दाम बढ़े हैं, तो उससे महंगाई बढ़ी है और महंगाई हर वर्ग पर उसका असर पड़ा है। पेट्रोल से ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ता है, ढोल ढलाई में फर्क पड़ता है, और इसके साथ साथ हम जो थे कोरोना के दौर में से गुजर रहे थे, तो कोरोना के दौर में जो है वो सरकार ने कई राहतें दी और कई कारोबार बंद हो गए, लोगों को घरों के अंदर बंद होना पड़ा, जिसके कारण जो है लोग जो है वो महंगाई के साथ साथ अपनी खस्ता आर्थिक हालता से भी जूझ रहे हैं। क्योंकि जो कोरोना काल में सरकार को लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ा, जो फ्री वैक्सीनेशन करना पड़ा, और इतना बड़ा देश में इतना बड़ा टीकाकरण हुआ, तो उसके कारण सरकार पर भी बोझ पड़ा और सरकार को उसके लिए कहीं ना कहीं से तो धन जुटाना ही होता है। तो धन जुटाने का सबसे बड़ा साधन तो यही है कि टैक्स ले, चाहे टैक्स किसी रूप में लें, किसी वस्तु पे लगाएं या कुछ लगाएं, आयकर टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, GST वगैरह, यही चीजें हैं जिससे सरकार की जो आमदनी बढ़ती है। परंतु अब जो लोग हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के दरों में जो है कमी होगी, उसमें जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगती है उसमें उसे कम किया जाएगा, गैस के दाम कम हो, इसके साथ साथ जो रोजमर्रा की चीजें, सरसों का तेल वो बहुत ऊपर चला गया, उसके दामों में कमी हो, सरकार से लोगों को इनकम टैक्स में भी राहत की आस लिए बैठे हैं, जो GST है कुछ वस्तुओं पे GST जो है वो ज्यादा है 18 से, जैसे मेडिकल है और जो जरूरी वस्तुएं हैं उस पे जो GST है उसको कम करके 5% तक लगाने लाने की मांग हो रही है। तो सृष्टि जी, इस बजट में लोगों को कई आशा है, परंतु इसके साथ साथ जो है व्यापारी वर्ग है वो भी कुछ चाहता है कि GST जो है उसमें कुछ छूट दी जाए, जो रिटर्न भरनी होती है उसकी लिमिट बढ़ाई जाए। तो इस प्रकार इस बजट से लोग कई आशाएं लेकर बैठे हैं, देखते हैं 11 बजे हमारे बजट से क्या कुछ निकलता है और इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलती है, यानी जो महंगाई की दर है उसको कम करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाती है। बिल्कुल केसी मलिक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस आने वाले बजट से और लोग निगाहें टिकाकर बैठे हुए हैं। 11 बजे बजट पेश होना है। अगर हम बात करते हैं उद्योग जगत की, तो उद्योग से ही देश का विकास होता है। उद्योगपति ऐसे में कई सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा था, ऐसे में कारोबार ठप हो गया था, अर्थव्यवस्था बिल्कुल धीमी हो चुकी, तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें यहाँ पर उद्योगपति लगा रहे हैं और क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? उद्योगपतियों को सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो है GST जो लगता है उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, उसकी जो है जो लिमिट थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए कि कहाँ तक GST, और जो लेबर है या दूसरे हैं उन तबके को कोई ना कोई राहत मिलनी चाहिए। लेबर जो दुकानें हैं या कारखाने हैं वो
काफी समय तक बंद रहे, उसके बाद अब खुले हैं तो उद्योगों को कच्चा मटेरियल आसानी से मिले, उस पे GST कम हो, और दूसरा जो लेबर है उसके लिए कुछ होते हैं, उनके लिए मकान वगैरह बनाए जाए लेबर के लिए। इसके साथ साथ जो उद्योग जगत है उसको भी कई आशाएं हैं कि कुछ चीजों में जो है टैक्स में राहत दी जाए और उसके कारण जो है उद्योग जगत को कुछ लाभ मिल सके, क्योंकि कोरोना अभी तक कोरोना गया नहीं, कोरोना में हम फंसे हैं, तो इसमें जो है दुकानों के या कारखानों को बंद होने का टाइम कई बार वीकली ऑफ होता है, उस वीकली ऑफ को जो दुकानदार है छोटे उद्योगपति हैं बड़े उद्योगपति वो भी चाहते हैं कि जो वीकली ऑफ है उसको कम किया जाए, जैसे सैटरडे संडे को होती है या बाजार 7 बजे बंद करना पड़ जाते हैं, और दुकानों में भी उसका असर हर एक चीज पे पड़ा है कोरोना। तो जो व्यापारी लोग हैं वो भी सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें कुछ टैक्स में राहत मिले और कुछ दूसरी तरह से किसी तरह उनको लाभ दिया जाए ताकि वो अपने उद्योग को आगे बढ़ा सके और उन्हें बैंकों से ऋण में थोड़ी सहायता मिले, उसमें उनके ऋणों में जो है ब्याज में कटौती की जाए, इस प्रकार की जो राहत है वो उद्योगपतियों को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल केसी जी, तो ये तो बात हमने की उद्योगपतियों की और क्या कुछ उम्मीद उद्योगपति लगाकर बैठे हैं इस पर हमने चर्चा की है। लेकिन अगर हम बात करते हैं केसी जी महिलाओं की, तो जिस तरीके से घर का बजट महिलाओं को ही देखना पड़ता है, ऐसे में महिलाएं भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी हुई है क्योंकि आज से गैस एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी यहाँ पर बदलाव देखने को मिलते हैं। और क्या लगता है आपको, महिलाएं किस तरीके से उम्मीदें लगाकर बैठी हैं और क्या उम्मीद में खरा उतरेगा ये बजट? हाँ देखो सृष्टि जी, महिलाओं का तो बजट बिल्कुल खराब हो चुका है। सबसे पहली बड़ी बात है कि गैस का सिलेंडर जो 1,000 रुपए के पार हो गया, और पहले ऐसा था कि सब्सिडी काफी आ जाती थी, अगर रेट बढ़ते थे तो उसमें सब्सिडी मिल जाती थी और कुछ ना कुछ जी वापस आ जाता, परंतु अब सब्सिडी कम हो गई है और जो सिलेंडर है वो 1,000 रुपए के करीब पहुंच गया है, तो इसलिए गैस में कटौती होनी चाहिए। खाने का तेल है जैसे सरसों का तेल है वो बहुत महंगा हो गया, अनाज जो है वो उसके रेटों में दालों के रेटों में बढ़ोतरी हुई है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो घर का बजट है घरेलू रसोई जो है उसका जो बजट है वो खराब हो चुका है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो GST वगैरह है उसके दरों में कमी करे, जो खाने का तेल है उसको कम करे। जो ये ठीक है कि सरकार जो है कुछ प्रदेशों में अनाज कोरोना के कारण सस्ता भी दे रही है और मुफ्त भी दे रही है, परंतु उससे रसोई नहीं चलती। रसोई के लिए तो बिल्कुल चाहिए स्थायी समाधान। स्थायी समाधान हो सकता है कि गैस गैस के दामों में कमी हो, खाद्य तेलों के दामों में कमी हो, मसालों और दालों के दामों में कमी हो, तो इस प्रकार सरकार को कदम उठाना चाहिए। दालों का आयात करना पड़े तो वो भी करना चाहिए, तेल जो है उसके दामों में कमी करनी चाहिए और गैस के दामों में भी कमी होनी चाहिए, तभी गृहिणी जो है सुख की सांस ले सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने केसी जी, तो कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी हुई हैं और वो चाहती हैं कि उनके घर का बजट इस बजट से कहीं ना कहीं संवर जाए क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें इस आने वाले बजट से। अगर हम बात करते हैं केसी जी हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर के लोग भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर इस बजट से बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ राहत यहाँ पर हेल्थ सेक्टर को मिल सकती है इस बजट से? सृष्टि जी, हेल्थ सेक्टर में सरकार ने किया तो बहुत कुछ है, बहुत सी दवाइयां जो है अस्पतालों में उपलब्ध हैं और मुफ्त मिल जाती हैं, परंतु इसके साथ जो दवाइयों पे टैक्स है किसी कई आइटमों पे जो है वो 18% तक टैक्स है, तो उसको कम करके 5% तक लाया जाए तो इससे जो है मेडिकल क्षेत्र को भी राहत मिल सकती है। इसके साथ साथ जो बहुत जरूरी है जैसे उसकी शुगर की है या टीबी की है, दूसरी कैंसर की दवाइयां जो है ये बहुत महंगी है, विशेषकर कैंसर की जो दवाई है वो बहुत महंगी है और इलाज बहुत महंगा है। शुगर की दवाई तो चलो मिल जाती है, परंतु अस्पतालों में शुगर की दवाई बहुत जगह मुफ्त मिल जाती है, और जो हरियाणा में है यहाँ काफी आइटम है जो है
वो हॉस्पिटलों में उपलब्ध हो जाती है, मुफ्त में उपलब्ध होती है, परंतु कैंसर जैसी ये ऑपरेशन के जो खर्चे हैं वो आम लोगों के लिए सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बुढ़ापे में तो कई बीमारियां ऐसी लग जाती है जिनके इलाज पर जो इनकम है सारी खर्च हो जाती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि आयुष्मान योजना जो 5 लाख का बीमा है जी उसको लागू किया जाए और हर वर्ग को उसमें कवर किया जाए। इसके साथ साथ जो जीवन उपयोगी दवाई हैं, जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उनके दामों में कटौती करें, GST कम करें और अस्पतालों में जी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त सुविधा दी जाए, जिससे वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और बच्चे जो है रात के साथ रहे, इन सभी वर्ग को, क्योंकि हेल्थ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही शिक्षा कहा के आपने साथ साथ जी हेल्थ जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हेल्थ पर सरकार को कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए, बिल्कुल इस पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने केसी जो हेल्थ सेक्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस बजट से राहत की उम्मीदें। अगर हम बात करते हैं केसी जी मिडिल क्लास फैमिली, तो सबसे ज्यादा अगर महंगाई बढ़ती है तो मिडिल क्लास फैमिली पर ही प्रभाव पड़ता है और उनकी ही कमर टूटती है। तो अगर हम बात करते हैं इस बजट को लेकर के और रुख करें मिडिल क्लास फैमिली का, तो क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं और कैसे मिडिल क्लास फैमिली को राहत यहां मिल सकती है? श्रेष्ठ जी, ये तो बड़ी साफ बात है कि जो अमीर लोग हैं उसको जितनी मर्जी महंगाई हो जी उसके आय के बिल्कुल साधन इतने ज्यादा होते हैं कि वो कर लेता है, और जो गरीब तबका है, निम्न जी है, किसी का जो पीला कार्ड बना है, दूसरे कार्ड बने हैं, या बहुत सारी चीजें जो उसको मुफ्त में उपलब्ध होती है, अनाज मुफ्त में उपलब्ध हो जाता है और दूसरी जो चीजें हैं उसको रियायतें मिलती है, परंतु मिडिल क्लास जो ऐसा है ना, वो ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। महंगाई को जो भी आदमी देखता है, जो भी सरकार देखती है, वो देखती है कि कहाँ से हमें पैसा आए। जी तो टैक्स का, हर एक टैक्स का असर जो है वो मिडिल क्लास पे पड़ता है। बिल्कुल तो मिडिल क्लास के लिए टैक्सों में राहत और जो जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं उसमें राहत बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो है भाई, जो पेट्रोल, आम आदमी जो मिडिल क्लास है वो स्कूटर मोटरसाइकिल से चलता है, तो उसकी जेब पर अब बहुत बड़ा डाका पड़ा है और उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग तो साइकिलों पे आ गए हैं और साइकिल अच्छी बात है, जी परंतु महंगाई का असर तो पड़ा है, हर जगह साइकिल नहीं चल सकती। अब बड़े जो शहर हैं भीड़ भाड़ वाले हैं, वहां तो साइकिल के लिए लाख पत्थे बनाए हैं, तो उसमें गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मिडिल क्लास इतना नीचे भी नहीं आ सकता कि हर कोई साइकिल पे चले। तो पेट्रोल के दामों में थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी क्या, अच्छी राहत चाहिए ताकि वो स्कूटर पे अच्छी तरह चल सके, और जो खाद्य वस्तु है उनमें भी टैक्स में कमी की जानी चाहिए, जैसे खाने का तेल है, दूसरे मसाले, दालें हैं, इनमें कमी की जानी चाहिए ताकि मिडिल क्लास जो है वो भी अपना जीवन अच्छी तरह उपयोग, बिल्कुल क्योंकि मिडिल क्लास ऐसा है कि वो नीचे तो जा नहीं सकता कि वो पीला कार्ड जी बना ले, उसमें भी इनकम का क्राइटेरिया रखा होता है, बिल्कुल या ना ऊपर जा सकता, ऊपर तो अभी जाएगा जब इनकम बढ़ेगी, तो वो मिडिल क्लास जो वो नीचे की तरफ जाता है, परंतु इतना नीचे भी नहीं जा सकता कि पीला कार्ड या दूसरा कार्ड बना के तो मुफ्त का अनाज ले ले या क्या कर ले। तो इसलिए मिडिल क्लास के लिए तो राहत की बहुत जरूरत है, और हर बार जो असर पड़ता है महंगाई का वो मिडिल क्लास पे ज्यादा पड़ता है। ऊपर क्लास जो है वो अपना जो गुजारा आसानी से कर सकता है, उसकी इनकम बढ़ जाती है, जैसे महंगाई बढ़ती है उनकी इनकम भी बढ़ती है, और निचला जो तबका है बिल्कुल उसको सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, बहुत सी चीजें मुफ्त में दे देती है। तो इसलिए मिडिल क्लास का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, उसको राहत की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल केसी जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं इस बजट से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, वो फिर नौकरी पेशा के लोग हों, कोई उद्योगपति हो, कोई कारोबारी हो, या फिर महिलाएं हो, या मिडिल क्लास फैमिली की हम बात करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बजट कितनी ज्यादा उम्मीदें लेकर के आता है और उम्मीदों का पिटारा खुलेगा या फिर नहीं। केसी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं बजट 2022 की, जिस तरीके से आज का दिन बेहद खास है और लगातार हम आपको खबरें भी बता रहे हैं और बजट के बारे में जानकारी देते चले जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।